हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शो वी। क्या हाल चाल है? करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं भैया दिसंबर में क्या होने वाला है। दिसंबर में देखो बहुत सारी है, तो पहले तो पैसे गिरने वाले हैं, ठीक है। हम लोगों को चिंता, हम कौन सा कंटेंट देखेंगे। एग्जीबिटर साहब ये सोच रहे हैं कि हम पैसे गिन के कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ये भी ले लेंगे, हम वो भी ले लेंगे, वो बढ़ा दो, आईमैक्स कर दो, ये कर दो, वो कर दो, क्योंकि झड़ी से बड़ी सारी मूवीज आने वाली है और ये बड़े नंबर करने वाली मूवीज हैं। और मेरी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। 1 तारीख को आ रही है एनिमल और श्याम बहादुर। इसके अंदर एनिमल में तो आपको पता ही है रणबीर कपूर, बॉबी देओल, अनिल कपूर, ये सब लोग हैं। श्याम बहादुर के अंदर उरी देने वाले विकी कौशल हैं, तो उनकी मूवीज़ जो हैं कई बारी सरप्राइज्ड हो जाती है। उरी भी चल गई, फिर और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज जो अचानक से घरेलू परिवार वालों को पसंद आने की वजह से ज़रा हटके ज़रा बच के जैसी वाली मूवीज़ भी चल जाती हैं, तो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं और थोड़ी डिफरेंट स्टोरी होने का कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एनिमल और श्याम बहादुर बिल्कुल गदर और ओ माई गॉड 2 की तरह बिहेव कर सकता है, कि एक बहुत बड़ी हो जाएगी, मतलब 300-400 करोड़ रुपए, मे बी मोर, और श्याम बहादुर भी धीरे धीरे बोलेगी कि हाँ भी अच्छा कंटेंट है, ये भी 100 करोड़ 125 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगी। ऐसा मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि विकी कौशल की एक्टिंग मुझे पसंद आती है। ऐसा लगता है कि एफर्ट मारा गया है, उसकी स्क्रीन प्रेजेंस फेल्ट होती है, उसको अच्छे डायरेक्शन और अच्छी अगर स्क्रिप्ट मिल जाए तो वो काम कर जाता है। दूसरा जो क्लैश हो रहा है वो मेरे लिए कोई क्लैश नहीं है टेक्निकली। हो सकता है जो फैंस हैं वो थोड़ा सा बुरा मना सकते हैं इस बात को। पहले समझते हैं क्लैश है क्या 8 तारीख को, वो है मेरी क्रिसमस और योद्धा का। योद्धा के अंदर आपको दिखेंगे कियारा आडवाणी के हस्बैंड और सिद्धार्थ मल्होत्रा, और मेरी क्रिसमस में आपको दिखने वाले हैं श्याम बहादुर के वाइफ और जो की हैं कटरीना कैफ, और साथ में उनके साथ होंगे विजय सेतुपति। ठीक है, विजय सेतुपति स्टैंड अलोन मूवी में OTT में अट्रैक्शन ला सकते हैं, लेकिन स्टैंड अलोन मूवी में मुझे नहीं लगता कि हिंदी मार्केट के अंदर कुछ भी वो हिला सकते हैं। दूसरा कटरीना कैफ स्टैंड अलोन हिंदी में बड़ी मूवी के साथ थोड़ा मुश्किल है उनका, क्योंकि एक तो आउट ऑफ टच है अभी फिलहाल के लिए। हो सकता है थोड़ा सा जब टाइगर आ जाए तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट बन जाए, तो बिल्कुल ही आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते। बट लास्ट जो उनकी मूवी आई थी वो भूत वाली, घोस्ट बस्टर टाइप वाली, वो क्या नाम था यार उसका, बताना ज़रा कमेंट बॉक्स में। और वो जो मूवी आई थी उसके अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा इनको देख के ओपनिंग नहीं लगी थी, तो थोड़ा सा डाइसी है सिचुएशन, तो ये मूवी का पता नहीं है। योद्धा जो दूसरी साइड है वो बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इंटेंस एक्शन और सबसे ज़्यादा डिफरेंट मूवी होने वाली है सिद्धार्थ मल्होत्रा की। और इस तरीके के रोल के अंदर जब वो शेरशाह के अंदर भी आए थे तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, और मैंने देखा है कि इस इंसान की जो एक्टिंग लेवल्स हैं वो काफ़ी इंप्रूव हो चुकी हैं, तो मेरी बेट ज़्यादा रहेगी योद्धा के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि योद्धा जो लाइफ टाइम अपना बिजनेस करेगा, अगर मूवी अच्छी हुई तो 125 करोड़ रुपए के आसपास, और अगर 125 करोड़, हाँ, और अगर मूवी आई गई टाइप वाली हुई तो ये 35-40 करोड़ रुपए में निपट जाएगी। उसके बाद बीच में कोई बहुत मेजर रिलीज नहीं है 2 हफ्ते, तो अगर योद्धा चल गई तो फिर उसको अच्छा खासा रन मिल जाएगा। फिर उसके बाद डंकी और सलार है 22 तारीख को। अब ये काफ़ी मेजर वाला तगड़ा वाला पंगा है ये वाला, तो स्क्रीन्स को लेकर भी पंगा होने वाला है, रेवेन्यू पोटेंशियल को लेकर भी पंगा होने वाला है। अब इस पंगे को सिर्फ फिलहाल के लिए इग्नोर करके मूवीज पर अगर ध्यान दें, तो वो जो मैंने कल वीडियो परसों बनाया था, नहीं देखा तो देख लेना, DULAR, तो दुलार ही दे सकते हैं हम तो एज अ पॉजिटिव आउटलुक वाले लोग, कि दुलार देंगे दोनों को। पहले डंकी देखेंगे, और दुलार में भी डी पहले डंकी ही आता है, फिर सलार देखेंगे, किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, और कंटेंट के मेरिट के अंदर दोनों को इवैल्यूएट करेंगे। मैं अपना रीजन बता देता हूँ कि डंकी से मैं फिर भी कुछ नया एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सलार के टेक्सचर में हमने फिर भी मूवीज देखी हैं, अगर हमने नहीं देखी होती, हो सकता है अगर ये पहली बार डंकी वर्सेस KGF हो रहा था तो शायद मैं थोड़ा बहुत कभी सोचता कि KGF देखूं कि डंकी देखूं, लेकिन ऐसी देख चुके हैं हम बहुत सारी, तो इसलिए मेरी चॉइस यही बन रही है कि मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक दूंगा, और ब्रेक मतलब सेम ही दिन देखेंगे लेकिन पहले डंकी देखेंगे। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं और अपडेट के साथ, स्टे कनेक्टेड। और आपकी चॉइस क्या होगी? अच्छा, ये तो बताया नहीं मैंने कि डंकी और सलार का क्या लाइफ टाइम प्रोजेक्शन है। देखो ऐसा है कि बिकॉज अब डंकी को साउथ का सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलेगा, जो कि जैसे 150 करोड़ रुपए के आसपास आपके जवान को मिल गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो पोटेंशियल है अभी फिलहाल के लिए अंडर 1000 है। सलार का पोटेंशियल भी अंडर 1000 है। जितनी मर्जी बातें कर लेंगे जी साउथ इतना बड़ा, ये बड़ा, बाहर बड़ा, अच्छा, इनको भूलना नहीं चाहिए कि 1200-1300 करोड़ में से 500 करोड़ हिंदी बेल्ट से आते हैं। अगर हिंदी बेल्ट वाले डंकी देखने चले गए तो फिर सलार को थोड़ा सा इंपैक्ट तो आएगा, तो दोनों का पोटेंशियल मुझे 750-800 करोड़ रुपए लग रहा है बिकॉज ऑफ द स्टूपिड क्लैश। अलग अलग आते हैं तो हम 1200-1300 करोड़ रुपए से कम की बात नहीं कर रहे होते। एनीवेज, आपका क्या मानना है इसके बारे में जरा कमेंट करके बताओ। बाकी जल्दी मिलते हैं और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।